हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी रात के 11 बज रहे हैं और तारीख है आज 18 अगस्त 2022। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मैं सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँ, और शेयर करनी भी चाहिए क्योंकि ब्लॉग का वीडियो है, हर चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी, चाहे दुख हो या सुख हो, हर चीज़ें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, कहते नहीं कि माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन जो मामा होता है ना, उसमें तो दो बार माँ आता है, माँ। इसलिए भगवान ने उसको शायद ज़्यादा ही प्यारा इंसान बनाया है, कि अगर शायद माँ ना रहे तो मामा उसकी कमी पूरी कर सके। दोस्तों, ऐसे ही है हमारे मामा जी, जिन्हें हम बहुत मिस करते हैं। और हमारे तो वैसे तीन मामा हैं, लेकिन अभी जो हमारे बड़े मामा जी हैं, उनकी एक साल पहले डेथ हो गई। एक्चुअली में उनका हार्ट के पेशेंट थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, फिर लास्ट में किडनी वगैरह भी डैमेज हो गई, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। और आज हमारी जो मामी जी है ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दें, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब हम छोटे छोटे थे, मामा के वहाँ जाते थे तो टॉफियाँ देना और दुलार करना, प्यार करना, वो सारी चीज़ें ना बहुत मिस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आज वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरी मामी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मामा के यहाँ जाओ, अगर वो ना मिले तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, एक ही प्रकार से मतलब। तो वही है कि आज बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी मामी के ऊपर ही आज हम वीडियो बनाते हैं। तो हम जब भी मामा के वहाँ जाते थे, मुझे 5-5, 10-10 रुपए मुझे विदाई में देती थी। बड़ा मतलब वो बचपना याद आता है अभी भी। और एक आज का समय है कि 100-50 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं देता है। उस समय 10 रुपए भी अगर विदाई मिल जाते तो बड़ी खुशी होती थी कि मामा ने दिए हैं, मामी ने दिए हैं। तो होता है कहीं ना कहीं। बस भगवान से ये दुआ करता हूँ कि मेरी मामी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें और वो फिर से सही हो जाएं, और मैं जल्दी से जल्दी गाँव जाऊँ, उनसे मिलूँ। बस यही तमन्ना है। प्लीज़ सारे लोग मिलकर दुआ करो कि मेरी मामी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।